ୱାଚ୍ ୱିଣ୍ଡୋର କାମ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, এই জায়গাটা এই প্রবলেম। आप बात करते हैं वॉच विंडो, वॉच विंडो की बात। वॉच विंडो फ्रेंड्स क्या है? वॉच विंडो के अंदर सपोज एक मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर मेरी प्रोडक्शन यूनिट 1, 2, 3, यहाँ पर कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए वो नंबर आ रहा है, राइट। और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मेरी यहाँ पर आ रही है 1,000, 1,020, 1,050, राइट। और टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर 3,16,000, 1,18,000 कैसे आ रही है? टोटल यूनिट प्रोड्यूस और प्रोडक्शन कॉस्ट पर। देखो ये जो एक्सेल सीट रे कौन आसुची आदरे प्रथम से देखो जी कौन ना प्रोडक्शन यूनिट वन, तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस है 316, प्रोडक्शन यूनिट टू, यूनिट टू रे है 316, प्रोडक्शन यूनिट थ्री है 178 है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कितने आसुची गोटे पर यूनिट कॉस्ट हो 1,000, तो आसला कितने 3,16,000 रहा। ये प्रोडक्शन यूनिट टू 116, गोटे यूनिट है 1,020, 1,18,000 रहा। टोटल यूनिट 178, ये मल्टीप्लाई हो देखे यहाँ हूँ आम एक्सेल डेटाटा। डेटा कौन अच्छी टोटल यूनिट पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बुझेगा। एबे हमें कौन देखा यूनिट इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ हर यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग है, 1,000, 1,020, राइट फ्रेंड्स। मैंने क्या किया हुआ फ्रेंड्स, ये जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड है इसको मैंने लिंक किया हुआ है मेरा एक सॉल्वर करके एक टैब है। यहाँ पर जो यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, राइट, टोटल जो मेरे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं वो मैंने इनको यहाँ से लिंक किया हुआ है, राइट। यहाँ से आप देखेंगे लिंक किया हुआ है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा हुआ है सम सॉल्वर B4 to E4। तो सॉल्वर का ये B4 to E4 इसका मैं सम देखता हूँ इन चारों का, प्रोडक्शन यूनिट 1 का तो 316 आता है, यानी इन चारों का टोटल। जोड़े लिंक लगा है जी B4 और C4 माने कोटा ये जो प्रीवियस पेज है जो सॉल्वर टाइम में बने थे तो ये पूरे साल की उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो ये होती है, यूनिट 2 की ये होती है, यूनिट 3 की, 3 की ये होती है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, कई बार मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मैं देखना चाहता हूँ यार कि मैं यहाँ पर अगर इन प्रोडक्शन यूनिट के कॉम्बिनेशन को चेंज करूँ, क्योंकि यूनिट की कॉस्ट अलग अलग है, मैं अगर इस कॉम्बिनेशन को चेंज करूँ तो क्या इस कॉस्ट को मैं कुछ कम कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी तरफ से कुछ कॉम्बिनेशन बिठाना चाहता हूँ? कैसे कौ चीज है हमें तार जो कॉम्बिनेशन प्रीवियस पीरियड जो कॉम्बिनेशन था थिला से कॉम्बिनेशन टा जदि मु चेंज करीबी ताले मोर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ प्रोडक्शन कॉस्ट आ से कमे हो जाउ। हमें यदि किसी किसी चेंजेस करीबा यदि प्रोडक्शन कम कॉस्ट हमें कमे कमेबा से हो जाउ तो मेरे को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं यहां अपर जाता हूं, इसको 20 की जगह 3 इसका करता हूं, फिर देखता हूं आके यहां पे अच्छा कितनी कॉस्ट हो गई, 20 की जगह मैंने यहां 30 किया,
और यहाँ पर मैंने कहीं और पर 20 की जगह 10 कर दिया, क्योंकि यहाँ कहीं 10 बढ़ाया कहीं 10 कम कर दिया, क्योंकि मेरे को टोटल सपोज उतना ही रखना, तो मैंने देखा कॉस्ट कम हो रही है बढ़ रही है, लेकिन मेरे को बार बार ये काम करने के बाद इस शीट पे आना पड़ रहा है देखने के लिए, बट मैं चाहता हूँ ये नंबर जब चेंज हो तो मेरे को वहां पर इस जगह नजर आता रहे, या मैं किसी भी शीट में जाऊँ। फ्रेंड्स ये रिक्वायरमेंट आपको कहीं भी आ सकती है कि मैं एक नंबर को चेंज करता हूँ और उस नंबर को चेंज करने के बाद गोटे जगार सब जिन बार बार आके देखना पड़ता है दूसरी शीट में कि वो नंबर क्या बता, और उस शीट में मूव करने में मेरा बहुत टाइम मिस होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला में जाऊंगा, राइट, फार्मूला में मैं जाऊंगा, फार्मूला में फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होगा फ्रेंड्स, आप वॉच विंडो को जब क्लिक करेंगे तो मेरे से ये पूछता है एड वॉच, एड वॉच क्या है, क्लिक करते हैं इस विंडो को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया था एड वॉच, ये पूछ रहा है क्या नंबर, वॉच विंडो D7, ये वाला नंबर मेरे को वॉच विंडो में ऐड करना है, राइट, मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर दिखा रहा है आपको कि 6,20,220, आप और भी नंबर ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, राइट, जैसे मैंने ऐड वॉच में ये वाला भी नंबर, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का मैंने सम लगा दिया है, ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं है बट सम लगाया हुआ है, उसको ऐड कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। टोटल यूनिट प्रोड्यूस इसको भी मेरे को ऐड करना है, ऐड वॉच ये मैंने सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्वर में जाता हूँ, ये वॉच विंडो हर जगह आपके पास यहाँ कॉमन रहेगी, मैंने यहाँ पर जब ऊपर लेके गया तो यहाँ वॉच विंडो लगे देले, हमें ए पेज को गले सेटा देखेबो, आर पेज को गले सेटा देखेबो, एबे कौन हो देखा, जदि मु कोनो से पेज चेंजेस करबे इसको उठा के साइड में भी रख सकता, राइट। फ्रेंड्स मैं इसको तो ऊपर लेके जाता हूँ, देखो यहाँ जाते हैं आपके साथ मिक्स हो जाती है, आप यहाँ इसको देख सकते हो, राइट, यहाँ पर आपकी वॉच विंडो दिखेगी, आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से इसको आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, राइट। तो मैंने फ्रेंड्स इसको यहाँ पर रख दिया। अब मैं कहता हूँ मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर देता हूँ, मैं 40 के 50 कर देता हूँ, देखो आप देखना यहाँ इस कॉस्ट पे ये कॉस्ट आपकी चेंज होती रहेगी और आपके यूनिट भी चेंज हो गई, राइट, ये यूनिट 6.0। तो मैंने इसको 50 की जगह कितना कर दिया, मैंने इसको 100 कर दिया, तो यहाँ आप देखो यूनिट चेंज हुए और ये कॉस्ट भी चेंज हो गई कि मेरी टोटल वॉच विंडो में कॉस्ट जो मेरे को यहाँ के बार बार देखनी पड़ती थी वो मुझे यही पता चल रहा है कि जब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, मेरे को बार बार शीट पे घूमने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर इसको फिर चेंज करते रहता हूँ कि मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं तो मेरे को यहाँ पर कम करने, सपोज मेरे को यहाँ पर 50 करने हैं, तो देखो कॉस्ट यहाँ चेंज हो रही है, मुझे यही नजर आ रही है 6,38,920, ये देखिए 6,38,920, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब मैं कहीं चेंज करता हूँ और उसके बेसिस पे कोई नंबर चेंज हो रहा है, मुझे उस नंबर को बार बार देखना पड़ता है, मैं प्रोजेक्शंस बनाता हूँ, राइट, मैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाता हूँ, फाइनेंशियल्स बनाता हूँ, कुछ रेशियो एनालिसिस कर सकता हूँ, उसके अंदर मेरे नंबर बार बार मेरे को किसी नंबर को चेंज करना पड़ता है अलग अलग शीट में, और मेरे को बार बार जाकर देखना पड़ता है कि जो मेरा फाइनल नंबर है वो कितना बन गया, उसके लिए मुझे फिर दूसरी शीट में आना पड़ता है। तो मैं वॉच विंडो में उस नंबर को ऐड कर लूंगा, राइट, और मुझे बार बार उस शीट में मूव भी करना पड़ेगा। मुझे ला बुझी पहला अर्चना मिस्टर प्रिया, यस सर, यस सर, ठीक आउट, हाँ देखो देखो जे प्री डिफाइंड फॉर्मूला रखी देते हैं,
एगुड़ा सब लिखा है कौन सम सॉल्वर बी फोर टू ई फोर ये लिखा है एटा कहार आसला ना सम एटी मु रेफरेंस जानली ए सम रहला आसला सॉल्वर कौन थला बी फोर रो ई फोर सॉरी एटा हला बुझे ला केंदे रेफरेंस आसु रे रेफरेंस ला इक्वल्स टू सम दबो सॉल्वर पेज को जीव बी फोर ई फोर एटी आसी गला एटी मु जहा बे चेंजेस करिवी रम एटी चेंज करिवी एडी मार्क कर एटी केते अछि 621,220 तो ए पेज रे मु सपोज एटा या 30 करिवी एडी भी चेंज हला तर से कहू छी जे एठी हमें वॉच विंडो लिखियो वॉच विंडो जो वॉच विंडो दरकार एडी ऐड वॉच तमने जोडा दरकार एडा सब सिलेक्ट करना बुझेला मैंने इधर मुझे यही पार्टा दिख रहा है जाको सिलेक्ट करना हो तो ये वाच विंडो आ सकेगा मतलब मुझे पेज को जी भी वाच विंडो आ सकेगा है ना मोर कहते हैं ऐसे पड़े 631 तो ये वैल्यू देखा 631 आ सी तो मुझे पड़े 90 जगह रे मुझे 80 सपोज पास करूँ सपोज एटी मुझे दी 40 चेंजिंग 652 मतलब एडी जाना पड़ जाए से पड़े 652 अच अच्छी एडा हो जी वाच विंडो रे काम बुझी हला विष्णुप्रिया अर्चना सोनालिका बुझी पाइला थक अरे यस सर रेफरेंस दवा पई तमे ए फार्मूला टा लिखिबो एउटा का सम सॉल्वर पेज को पढ़े तापर सिलेक्ट करना हो बुझे ला मैक्रोटा भी पढ़े थे तुम
इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स नोट कर फ्रेंड्स, जिस भी रो को मेरे को सेलेक्ट करना है उस रो में मुझे कहीं पर भी क्लिक करना है एंड मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट स्पेस, राइट? सेलेक्ट किया शिफ्ट स्पेस। फ्रेंड्स, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने की उस कॉलम में मुझे जाना है एंड मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल स्पेस, राइट? मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जो कॉलम टा को सिलेक्ट करे गले कंट्रोल और स्पेस यूज करा जी, है ना? मुझे यही कलम टा स्पेस ये कर कंट्रोल स्पेस मारे तो मैं पूरा सिलेक्ट हो जाए। बस जिस भी रो को मेरे को सेलेक्ट करना है उस रो में मुझे कहीं पर भी क्लिक करना है एंड मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट स्पेस, राइट? सेलेक्ट किया शिफ्ट स्पेस। ओके, तो एटा हो जी रो को सिलेक्ट करे गले शिफ्ट स्पेस मारले पूरा रो टा सिलेक्ट कर मुझे ना ले लिखो शिफ्ट प्लस स्पेस किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने की उस कॉलम में मुझे जाना है एंड मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल स्पेस, राइट? जो एडा हो जी कंट्रोल स्पेस पूरा रिटर्न हो जाए। ये कॉलम सेलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस। फ्रेंड्स, रो इंसर्ट करने के लिए मुझे रो पहले सेलेक्ट करनी है पूरी, राइट? तो रो सेलेक्ट करने की शिफ्ट स्पेस एंड मुझे रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, उधर रो इंसर्ट करियो। देख रहा है एंटायर रो बुझे ला कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू इंसर्ट ए रो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, राइट? कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस। कॉलम जब हम इंसर्ट करियो कंट्रोल शिफ्ट प्लस
कंट्रोल शिफ्ट प्लस माने कॉलम सिलेक्ट करियो हाँ कंट्रोल शिफ्ट स्पेस तो नहीं कोड़ी कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो पाई रो सिलेक्ट करिवो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम पाई कॉलम सिलेक्ट करिवो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेम रो पाई रो सिलेक्ट करिवो कॉलम पाई कॉलम सिलेक्ट करिवो बुझेला राइट फिर मुझे कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस तब मुझे डिलीट करिएगा फ्रेंड्स कोई भी रो डिलीट करने के लिए मुझे पहले रो को सिलेक्ट करना है शिफ्ट रो डिलीट करिया पे कंट्रोल माइनस ये रो टा को मैं डिलीट करिवे रो को सिलेक्ट करिवा कंट्रोल माइनस डिलीट हो बुझला कंट्रोल माइनस डिलीट है रो इससे रो मेरी सिलेक्ट हो जाती है एंड फिर उसके बाद फिर उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस राइट कंट्रोल माइनस किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए पहले मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस राइट उसके बाद मुझे क्या प्रेस करना है कंट्रोल माइनस हाइड रो एंड कॉलम फ्रेंड्स किसी भी रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की से मुझे क्या प्रेस करना है मुझे उस रो में जाना है और मुझे प्रेस करना है कंट्रोल नाइन गोटे रो अच्छे ये रो टा को मुझे हाइड करी कंट्रोल नाइन हाइड ए रो देख रो अच्छी कंट्रोल लाइन मार देला से राइट मल्टीपल रो को करना है मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है कंट्रोल नाइन मल्टीपल रो जदी हाइड करियर अछि सेंदी सब रो को सिलेक्ट करियो कंट्रोल लाइन हैला फ्रेंड्स किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए उस कॉलम में जाना है और प्रेस करो कंट्रोल जीरो जीरो कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट किया कंट्रोल जीरो कंट्रोल जीरो एटिकेट अच्छी सपोज नेम डिफाइन कर ले कॉलम को सिलेक्ट करिए कंट्रोल जीरो ऐड हो गया ओके अच्छा कॉलम सिलेक्ट पे कंट्रोल जीरो ना 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 कॉलम को हाइड करिया पे कॉलम को हाइड करिया पे कंट्रोल जीरो बुझेला यस सर ऑटो सब यूज करने के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल्स टू एंटर राइट ऑल्ट इक्वल्स टू ऑटो सम पे ऑल्ट इक्वल्स टू सिलेक्ट कर दबा ऑल्ट इक्वल्स टू मारिबा समझ Alt equals to enter. Paste special ta batai dite.
फ्रेंड्स पेस्ट वैल्यू करने के लिए कॉपी किया ऑल्ट कॉपी पेस्ट स्पेशल पे एठी हमर काम करबो कंट्रोल ऑल्ट भी कंट्रोल ऑल्ट भी स्पेस स्पेशल बतई थिले गुरु अब मैं क्या करूंगा शिफ्ट प्रेस को जैसे छोड़ता हूं ये 12,000 यहां पर रिप्लेस हो जाता है राइट ये यहां पर एग्जैक्टली यहां पर कॉपी हो जाता है कॉपी को रिप्लेस कर देता है फ्रेंड्स कॉलम को मेरे को रिप्लेस करना है किसी दूसरे कॉलम से सपोज ये सेल वाले कॉलम की जगह मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए इसका कॉपी चाहिए प्रोडक्ट कोड का तो मैं प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल मुझे प्रेस करना है जब ऐसा एरो बनेगा मुझे इसको मूव करना है और सेल के ऊपर ले जाके इसको ड्रॉप करना है राइट प्रोडक्ट कोड से सेल रिप्लेस हो जाता है डेटा में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम कंट्रोल और एरो का यूज कर सकते हैं कंट्रोल डाउन एरो से हमें सबसे लास्ट में ले आता है कंट्रोल अप एरो मेरे को सबसे ऊपर ले जाता है व्हाट इज सेल रे गोटे सेल रे सब लास्ट को आसिया पई हेले कंट्रोल डाउन आरो देख आम केतरा रोज 148,576 रोज कंट्रोल देखो लास्ट लास्ट होचे XFD कॉलम वाइज XFD पुनीटा कंट्रोल लेफ्ट आरो मारले बिगिनिंग पळे आसिला देन कंट्रोल अप आरो मारले पुनी बिगिनिंग पळे आसे दुडा मित्र सेति पळे आसे बुझला कंट्रोल डाउन आरो मारले रो वाइज आमे लास्ट को आसिले देन कंट्रोल अप आरो कंट्रोल डाउन आरो मूविंग टू द लास्ट रो ऑफ एक्सेल कंट्रोल डाउन आरो मूविंग टू द लास्ट रो ऑफ एक्सेल कंट्रोल अप आरो मूविंग फर्स्ट रो ऑफ द एक्सेल कंट्रोल साइड आरो माने राइट आरो मारले मूविंग लास्ट कॉलम मूविंग लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम पुणी एडा एडा हो लेफ्ट मारले मूविंग टू द फर्स्ट आरो माने जोडी आमे थिले सेठी रिटर्न आसीबो कंट्रोल लेफ्ट एरो लास्ट राइट हले लास्ट लेफ्ट हले फर्स्ट डाउन हले लास्ट अप हले फर्स्ट मेरे को लेफ्ट में ले जाता है कंट्रोल राइट एरो मुझे डेटा के राइट में सबसे लास्ट दिया फ्रेंड्स डेटा को आज तक सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो को यूज कर सकता हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट राइट तक सेलेक्ट कर देता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो नीचे तक सेलेक्ट कर देता है या मेरे को सारा डेटा मुझे माने ये जो डाटा वाला सिलेक्ट करया पे सपोज मते ए रोटा सिलेक्ट कर दी कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो पूराटा सिलेक्ट होला जो डाटा है तळ को असले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पर तळ को असले बुझेला आइदर माउस रे करबो नले कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट आरो कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो जिम जिम मारियो से सेम सिलेक्ट हे करबो बुझेला विष्णु प्रिया अर्चना सोनालिका बुझौची यस सर सर कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो टा कोटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो मारले देखो ई त विंड सिलेक्ट हला पूरा अप आरो मारले पुनी डी सिलेक्ट हला लेफ्ट आरो याडु गसला देखो राइट आरो मारले मु राइट आरो मारु बुझेला यस सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन है मेरे पूरे डेटा को सेलेक्ट
बट डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल टी, कंट्रोल टी पे प्रेस करता हूं, ये सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है, अदरवाइज आप मैन्युअली उसी डेटा के रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट है। यहां पर टिक होना चाहिए माय डेटा एज हेडर, क्योंकि जनरली हेडिंग होता ही है, और मुझे ओके करना, मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट। ओके, और डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने पे कंट्रोल टी यूज करिए। सिलेक्ट करने देखो डेटा टेबल है यार, बुझेगा डाटा को सिलेक्ट करियो कंट्रोल टी माने टेबल रे हो सकर के हला कंट्रोल टेबल कंट्रोल टी फ्रेंड्स। मुझे अपने डेटा में पता लगाना है कि कोई रो या कॉलम हिडन तो नहीं है या राइट है, या मुझे सारे जो विजिबल सेल्स हैं जितने भी सेल दिख रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है। दोनों के लिए एक कमांड होती है हमारे पास, सबसे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रेस करेंगे ऑल्ट सेमी कॉलम, राइट, ऑल्ट सेमी कॉलम। ऑल्ट सेमी कॉलम से क्या किया इसने, दो काम किए, एक तो ये लाइन जो बन के आ रही है उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कुछ डेटा हिडन है, यहाँ पर कुछ डेटा कुछ रो या कॉलम हिडन है, ऑल्ट सेमीकोलन देखे दला जे एई जगह मो डाटा हाइड हो गस, हां सिलेक्ट किया है वो केवल आपके जो विजिबल सेल्स थे उसको इसने सिलेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स मुझे किसी सेल में डेट चाहिए, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल सेमीकोलन, तो कोई यदि हमें डेट दरकार सिलेक्ट करी भी कंट्रोल सेमीकोलन अजय रेड पर है सेमीकोलन फॉरेन डेट, सेमीकोलन। फ्रेंड्स मुझे टाइम चाहिए किसी सेल पे, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम, ओके कंट्रोल शिफ्ट कॉलम। फर्स्ट टाइम हो जाता है करंट टाइम, फ्रेंड्स किसी सेल में डेट और टाइम दोनों चाहिए तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल कॉलम, राइट, एक स्पेस एंड कंट्रोल शिफ्ट कॉलम एंटर, राइट, क्या किया मैंने, कंट्रोल कॉलम, राइट, एक स्पेस एंड कंट्रोल शिफ्ट कॉलम एंटर। पहले कंट्रोल कॉलम से मेरे पास डेट आ जाएगी, राइट, फिर मैंने स्पेस दिया, नेक्स्ट क्लास देखा।